जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतना शुक्राना करो अपने हर पल का शुक्राना, दम का शुक्राना, श्वासों का शुक्राना, जीवन दिया आपने उसका शुक्राना है। संगत जी, जय गुरु जी, मेरे पीछे दबाव कह देती है दंदन गुरु जी निरंकार, दंदन गुरु दंदन गुरु जी निरंकार। गुरु जी की कनेक्टिविटी मेरी 2019 में हुई, मैं आपको अपने एक्सपीरियंस सत्संग के थ्रू शेयर करता हूँ। जो गुरु जी हमेशा कहते थे कि यहाँ कोई चीज कोई इंसिडेंट नहीं, सब चीजें प्लान है, और ऐसे ही हुआ। जानते तो हम सब कुछ हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन मानते नहीं। सब मनवाने का तरीका गुरु जी का अपना ही है, इसीलिए ये सत्संग की प्रथा भी शुरू की है। अब मैं एक फैमिली फंक्शन पे 2019 जनवरी 13 लोहड़ी का दिन था, वहाँ गए रहे थे हमारा सारा परिवार, मेरा बेटा, आंटी, सब लोग। लोहड़ी का फंक्शन खत्म हो गया और हम सब बाहर जा रहे हैं, सबको नमस्ते, अच्छा जी अच्छा जी करके। तो जैसे ही चार कदम बाहर निकले जाने के लिए बाय बाय, तो डॉक्टर आंटी जो कि गुरु जी की संगति है, पता नहीं कहाँ से कैसे मेरी तरफ अप्रोच करके आए। अंतर जय गुरु जी, गुरु जी को मैं कुछ जानता नहीं, कोई समझ नहीं, कोई कुछ नहीं, उनको भी जय गुरु जी। अंकल आप गुरु जी के बारे में सुना है आपने कुछ? मैंने कहा नहीं सुना, तो यही है कि हाँ एक गुरु जी हैं, क्योंकि हम दिल्ली से हैं तो सुना तो है। तो 15 मिनट खड़े खड़े ही वहाँ पे उन्होंने अपने सारे सत्संग सुना दिए, वो भी दिल्ली से हैं, और ये है वैसे है। मैं भी चुप करके सुनता रहा, अच्छा जी ठीक है, अच्छी बात है। तो अंतल आप ऐसे करना कि गुरु जी के कभी आओ तो सही वहाँ पे, अच्छे भी कोशिश करना जरूर आऊँगा। चले गए, चार कदम पांच कदम और आगे चलाऊंगा तो ये शेर अंकल आ गए। अंकल जी जय गुरु जी, जय गुरु जी। अंकल आप इतने सालों से मेरे को जानते हो, वो है ऐसे है, तो आप गुरु जी के आते क्यों नहीं? मैंने कहा भाई कोई खास मेरे को है नहीं, ठीक है मेरे को स्पिरिचुअलिज्म की तरफ वो है, लेकिन इतना कोई ध्यान नहीं। अच्छा आप एक दफ़ा आके तो देखो, मैं आपको कुछ कह तो नहीं रहा कि जबरदस्ती है, एक दफ़ा अच्छा जी आ जाऊँगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ओक ट्री रोड पे वहाँ पिछले 15 साल से मेरे ऑफिस का रास्ता हुई, और मुझे मालूम भी है, वही वाली बात है कि मैं जानता हूँ कि ये एक मॉल है, इसमें गुरु जी का मंदिर है, लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं, पर कभी गाड़ी उस तरफ मुड़ी नहीं, कुछ नहीं हुआ। इस इंसिडेंट के बाद ये जब 2 दफ़ा मतलब दिमाग में आए कि कोई तो खास बात होगी, ऐसे कैसे हो सकता है कि आउट ऑफ नो वे दो जी ने आके मुझे कह रहे हैं कि भाई आप गुरु जी के आओ, गुरु जी के आओ। तो कहीं ना कहीं से कुछ मैसेज है, चलो चल के देखते। तो उस दिन थर्सडे का दिन था और सुबह ऑफिस जा रहा था, कोई 10:30 का टाइम होगा, पता नहीं कैसे क्या हुआ वो गाड़ी उस तरफ अंदर घूम गई, अंदर जाके गाड़ी पार्क की, अंदर गया, वहाँ पे एक दो सेवादार अंकल थे, उनसे बात की। मैंने कहा जी मैं पहली दफ़ा आया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन या कुछ मुझे बताइए। उन्होंने कहा अच्छा जी कोई बात नहीं, हाँ बैठो अंदर आ जाओ। अंदर गया तो उन्होंने धानी अंकल हैं, उनके साथ मुझे इंट्रोड्यूस कराया कि आप इनके साथ बैठिए। पता नहीं संगत को शायद मालूम ही होगा कि धानी अंकल कौन है, बड़े सीनियर रेड क्रॉस में प्रोफेसर हैं और बहुत हाईली क्वालिफाइड हैं। तो उनके साथ बैठा रहा, आधा पौना घंटा लगा रहा, उन्होंने अपने सत्संग सुनाए, बहुत सुनाए, लेकिन वही हमारी बुद्धि, मेरी बुद्धि, इफ एंड बट, ऐसे कैसे ऐसे कैसे ऐसे कैसे। तो क्या लगेगा, अच्छा आपने सब सुन लिया। उधर सामने एक और अंकल हैं, सूद अंकल, वो ये सब बातें सारी सुन रहे थे मेरी, कि ये इफ एंड बट, और बहुत ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे, और वहाँ दूर से कब वो सेवा करते थे वहाँ पे सुबह, तो वो दूर से मेरे को देखते ना मुस्कुरा रहे। मैंने कहा आप कहने लगे आप इनसे फारिग होकर मेरे को बाहर मिले। अच्छा जी मिलता बाहर मिले, तो उन्होंने मुझे गुरु जी के स्वरूप दिए, लॉकेट दिए और ये दिए।
हंस के मुझे कहने लगे, क्या लगे मैं सारी बात सुन ली आपकी, आप देखना आप फिर आओगे, आप शाम को ही आओगे, क्योंकि थर्सडे का दिन था तो शाम को सत्संग होता, आप शाम को भी आओगे और फिर वो पंजाबी थोड़ा मुंडा भी आए। मैं कह रही आप मेरे मुंडे को जानते नहीं कुछ नहीं, मैं पहली दफ़ा मिला हूँ आप इस बात पर कैसे कर सकते हो कि तुम भी आओगे तो थोड़ा मुंडा भी आए। अच्छा जी कोई बात, जय गुरु जी करके चले गए, चले गए ऑफिस पहुँच गए शाम को, फिर 6 बजे रास्ता तो वही था ऑफ रोड का, फिर वही बात पता नहीं क्या हुआ, गाड़ी कैसे अंदर घूम गई, अंदर घूम के बैठे वहाँ पे सत्संग अटेंड किया पूरा 9:30 बजे तक, लंगर प्रसाद हुआ सब कुछ हुआ। लेकिन उसके वो जो लंगर प्रसाद और सत्संग के जो दौरान एक जिसको कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मेशन अंदर, पता नहीं कैसे हुई है, गुरु जी ही जानते हैं क्या किया उन्होंने कैसे किया, इतनी एक कनेक्टिविटी रिलैक्सेशन और जिसको कहते हैं ना कि बस आना ही आना ही यहाँ पर, ठीक है कोई बात नहीं। तो सैटरडे या संडे का दिन था, मेरा बेटा मिला मुझसे, मैंने कहा भाई ऐसा है कि वहाँ पे गुरु जी का मंदिर है तो कभी चल मेरे साथ और देखते हैं वहाँ क्या होता है। तो आप लोगों को मालूम ही है कि बच्चों को कन्विंस करना टुवर्ड्स दिस साइड और स्पेशली गुरु जी की तरफ कि भाई एक इंसान और इस तरह से सुपर नेचुरल पावर और सब कुछ इनके पास है, बड़ा मुश्किल था। मंडे का दिन था, फिर वही बात मुझे तो खुद नहीं पता, उसका मुझे फ़ोन आया कहता अच्छा आप जा रहे हो आज मंडे को वहाँ पे सत्संग, हाँ जाऊँगा, अच्छा मैं भी आऊँगा चलो। तो अंदर घुसे, अंदर घुस के और मंदिर में जब आए और माथा टेका और माथा टेक के बैठे, आई वॉज सो सरप्राइज, आई वॉज सो शॉक। मेरे को कहता है मेरे को कल रात को सपना आया यही तो जगह थी, ऐसे ही शिव जी का वहाँ वो एक तरफ मूर्ति थी एक तरफ गणेश जी की थी और एक दफ़ा इतनी बड़ी फोटो लगी हुई थी। और एक अंकल जो कि पहले तो हमारे फ्रेंड्स ही थे वो बैठे हुए, उनको भी जानता अब तो फैमिली हो गई था, तो कहने लगा वो अंकल सामने बैठे हुए थे और ये जो पिलर है ना यहाँ पे मैं खड़ा था और मैंने गुरु जी मैंने माथा टेका तो किसी ने मेरा ना बहुत ज़बरदस्त हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के मुझे कहते हैं बह जाते, और उसको पंजाबी तो आती नहीं तो मेरे से पूछा बह जाते था मतलब कि, मैंने उसको बताया मैंने कहा बह जाते था मतलब है कि अब यहाँ तो बैठ जा अब तूने यहाँ से कहीं नहीं हिलना। अच्छा ये मतलब बैठ गया थी वहाँ पर, बैठा चाय प्रसाद समोसा प्रसाद, बहुत आनंद आया बहुत आनंद आया। बाहर निकले सामने उस अंकल खड़े हंस पड़े आगे देख के मेरे को, मैं तक क्या तुम भी आओगे थोड़ा मुंडा भी आगे ना, मैं कहा जय गुरु आगे ठीक। ये तो हमारी कनेक्टिविटी का सत्संग था, कैसे हम लोग दो तीन परिवार में से गुरु जी के साथ जुड़े। क्या सत्संग तो बहुत है, बहुत एक्सपीरियंसेस हैं गुरु जी के साथ, मुझे समझ नहीं आती मैं इतने छोटे टाइम में यार कैसे आपको सबको बताऊं कि गुरु जी ने क्या क्या नज़ारे दिखाए और क्या क्या ब्लेसिंग्स दी हमारे को। तो अल्टीमेटली ये बात समझ में आई कि यही कहते थे ना, हाँ भाई जानते तो तुम सब कुछ हो लेकिन मानते नहीं, सब मानने के लिए तुम्हारे को ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस में कराता। और सबसे बड़ा जो रीसेंट लास्ट ईयर का जो मेरा मेरे को ब्लेसिंग्स मिली गुरु जी की और जो मेरा एक ब्यूटिफुल सत्संग है ये कि मैं वैसे ही बैठा हुआ था मेडिटेशन वहाँ गुरु जी के आश्रम में और गुरु जी को, गुरु जी हमेशा कहते हैं ना भोले भाव से आओ अपनी नया बार ला के आओ और मेरे अंदर डायरेक्ट कनेक्टिविटी करो। अब मुझे इन बातों का कुछ नहीं पता कि डायरेक्ट कनेक्टिविटी क्या होती है, मैं कहाँ बाहर निकाल के आऊँ, क्योंकि मैं तो चुप करके आँखें बंद करके बैठा हूँ और गुरु जी को कह रहा गुरु जी उन जरा कुछ करो जा रही एज ए पेरेंट कि भाई सर कैसे होगा इसकी शादी वादी का कुछ करो, तो 2 मिनट 4 मिनट बाद कहते हैं हाँ हाँ अंदर से एक लिटिल वॉइस कह लो या गुरु जी की वो आवाज़ कह लो अंदर से वो आ गए हाँ हाँ लै देंगे कुड़ी भी लै देंगे कुड़ी लुधियाने से लैके देंगे। 2 मिनट बाद मैं कह जी अमेरिका में बैठा कितने लुधियाना पंजाब कोई कनेक्शन नहीं, मैं हमें यहाँ पे आए हुए 30 साल हो गए मतलब एक अंदर से ऐसा लगा गुरु जी मजाक ही कर रहे हो आप क्या कर रहे हो आप कैसे, पर मैंने कुछ नहीं अपने अंदर ही से कॉन्वर्सेशन चलती रही खत्म होगी बात टूट के चले गए।
फिर वही बात, दो दिन बाद मुझे उसका फोन आया कि आपसे मेरे को मिलना है, बात करनी। अच्छा जी करो आ जाओ। और मिले बाहर, वहाँ पे कॉफ़ी पी, कहता जी आपको कुछ मैंने बताना है। मैं हाँ जी बताओ। कहता जी हमारे साथ है कि आई एम सीइंग अ गर्ल। मैं कहा ओके दैट्स गुड, सो एट लीस्ट यू आर ऑन द राइट ट्रैक एंड यू थिंक दैट यू वांट टू सेटल डाउन इन लाइफ एंड अच्छी बात। कह लगे एक और बात भी बता दी मैं क्या, कह लगे वो जो लड़की है ना वो इंडिया से लुधियाना से। मेरा क्या कह रहा है तू, एक बार फिर कहना। कहना हाँ वो मैं उनको ऐसे ऐसे उसको मिला था वहाँ से, लेकिन दे बिलोंग टू लुधियाना एंड दे हैव अबाउट 5-6 ईयर्स अगो दे हैव रिसेंटली। अब अंदर मेरे तो एक जिसमें कहते हैं ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये क्या बात हो गई भाई, ये कहाँ से। जय गुरु जी, जय गुरु जी, चलो जी बात खत्म हो गई। अच्छा जी वेरी गुड, ब्लेसिंग्स, जो मेरे से बन पाएगा जो करूँगा मैं तेरे लिए करूँगा। अच्छा ठीक। थिंग्स स्टार्टेड मूविंग फॉरवर्ड। फिर उसने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, मिले, सब कुछ, एवरीथिंग वाज फाइन। अब उस रिलेशनशिप में कुछ सीरियस काइंड ऑफ हर्डल्स थी, जैसे होती हैं, कुछ पेरेंटल कह लो, कुछ और सर्कमस्टेंशियल कह लो। फिर गुरु जी के पास बैठा, गुरु जी थैंक यू, शुक्राना, जो तुझे क्या सी वो तो पूरा हो गया, कुड़ी भी आ गई, लुसियाना भी आ गया, सब कुछ आ गया। बट द पॉइंट इज कि हम जड़ियाँ हर्डल्स आ रही हैं, जो रुकावटें आ रही हैं, एक इस तरह। फिर वही था, आई डोंट नो इट वाज लिटिल वॉइस बाजी क्या, मैं कुछ नहीं जानता। मेरे को फिर वही अंदर से आवाज है, और तू चुप करके बैठा रहा, देखी जा गुरुआ के नजारे, कुछ नहीं होना, सब ठीक हो जाना, तू देख सबर कर, देख गुरुआ के नजारे। And Sangatji, you would not believe it. Within 1 week, everything went off like smoothly. Koi hurdle nahi, koi problem nahi, koi kuch nahi. Sab cheeze bilkul jaise kehte hai na, ek normal way mein ho gayi. Chal, thank you Guruji. Jai Guruji. Uske baad shaadi ki us rasmein shuru hui, yahan arrangement shuru hua, yahan sab kuch hua. Phir usme February kisko uski shaadi hui. मौसम बहुत खराब, बर्फ पड़ रही, ये हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा। फिर गुरुजी को अरदास है, गुरुजी किस तरह होएगा, की होएगा। भैया तू समझदा नहीं है गल, तेन कहता देखी जा गुरु दिन जा रहे, तेरे कर्म भी कटने ने, तेरे काम भी करने, हो जाएगा सब ठीक। और सब कुछ ऐसे नॉर्मल वे में हो गया जैसे कभी हुआ ही नहीं। सब चीज, मौसम भी ठीक हो गया, फंक्शंस भी ठीक हो गए, सब कुछ ठीक हो गया, सब खुशी हंसी खुशी जिसको कहता है नंदे बोध का मैरिड एंड फाइनली सेटल। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं बस यही आपको कहूँगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि कनेक्शन जो है ना, कनेक्शन गुरु जी के साथ, कनेक्शन, डायरेक्ट कनेक्शन, कोई किसी किस्म कोई प्रोसेस की जरूरत नहीं, कोई पाठ पूजा ये वो कुछ नहीं। जैसे भी मेडिटेशन करनी आती है, बात करनी आती है, जैसे नॉर्मल वे में हम अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं, अपने आप बात करते हैं, वैसे ही बात करो, गुरु जी सब कुछ सुनते हैं। मैं तो वही वाली बार बार मेरे को बैठे ही था, तो तुम जानते तो सब कुछ, मानते नहीं हो, मनवान वास्ते तुम्हें सब कुछ करना पड़ता, दिखाना पड़ता। बिल्कुल ठीक है गुरु जी। और भरोसा सबसे बड़ी बात है, भरोसा। भरोसा था तो गुरु जी ने मुझे बुलाया और भरोसे के साथ मुझे वहां टिकाया। कितनी दफा 15 साल से जो एक रूट के ऊपर जा रहा है, कभी अंदर नहीं घुस के देखा, वो भरोसे की वजह से ही वापस आया। और भरोसा हमेशा ज्यादा, हर रोज ज्यादा होता गया, जब बेटा भी कनेक्ट हो गया, बहू भी कनेक्ट हो। सबसे बड़ी बात ये कि वो जो यहाँ से है, सब कुछ है, वो भी गुरु जी साथ कनेक्ट, सारा परिवार ही कनेक्ट कर दिया गुरु जी। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं तो आपको बस बार बार यही कहूँगा कि भरोसा रखो और सब्र रखो, भरोसे और सब्र के थ्रू गुरु जी आपकी नहीं है, सबकी पार लगाएंगे। और ब्लेसिंग हमेशा उनकी हमेशा हमेशा रहती है, और इसलिए हमेशा गुरु जी का शुक्राना ही करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये, एक और जो लेसन मैंने सीखा, गुरु कृपा और गुरु इच्छा। अगर कोई चीज़ मिल जाती है तुम्हारे को तो गुरु कृपा है, नहीं मिलती तो गुरु की इच्छा है। जैसे गुरु की इच्छा वैसे उसके साथ साथ चलो। थैंक यू गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी।